Assalamu alaikum and welcome to Immigration Expert with me, Sonia Zeshan. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक. आई होप कि आप हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ ख्वाब देख रहे होंगे. जी हाँ, इंसान ख्वाब देखता है तभी तो उनकी ताबीर हासिल करने के लिए कोशिश करता है, और जब कोशिश करता है इंसान तो इंसान की कोशिश होती है ये भी कि उसे सही गाइडेंस मिल जाए और वो जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए. वेल, वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, और एल्स दे आर ऑप्टिंग फॉर इमिग्रेशन, तो दिस इज द प्रोग्राम दे शुड वॉच. और इस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं हम, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि आप गलत हाथों में ना पड़े, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले, और उसके बाद आप सही तरीके से, लीगल वे से बैरून मुल्क जाएं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को वहाँ इंजॉय करें. और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक हम पहुँचाते हैं वो हमारे गेस्ट आप तक लेकर आते हैं. और हमारे गेस्ट कौन है? जी हाँ, रिनाउंड कंसल्टेंट, और इनकी फर्म है जिसके आपका नंबर और एड्रेस आप देख सकेंगे. आप इनको अदरवाइज भी इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं रिज़वानुल हक साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? थैंक यू सोनिया. और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है फेसबुक पे भी, अदरवाइज हमें कॉल्स और एसएमएस के थ्रू भी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बड़ी डिटेल में बताते हैं, बड़ी वजाहत से बताते हैं कि हाउ, व्हाट आर द वेज कि वी कैन गो अब्रॉड, जिसमें कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने कनाडा की बात की थी, एंड यू टॉक्ड अबाउट एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भी इसका इल्म भी नहीं था, वो समझ रहे थे पुराना ही सिस्टम चल रहा है, मगर जैसा कि आपने बताया तो दे वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट. और फिर बहुत सी कॉल्स नाज़रीन हमें ये भी आती हैं कि इनका नंबर हमें दे दें. तो जनाब, इनका नंबर हमने ज़बानी तो याद किया नहीं, तो ऐसा है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं इनके नंबर्स, और द वे यू कैन कॉन्टैक्ट देम, इनका आईडी, फेसबुक आईडी जो है वो भी अवेलेबल है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल है. अगर आप चाहते हैं कि मजीद तफसीलात से अपना केस, अपनी फ्यूचर प्लानिंग इनके साथ डिस्कस कर सकें, तो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. आप इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो उसका नंबर है 233-1676. कमिंग बैक टू यू सर, कैनेडियन इमिग्रेशन थोड़ी सी क्या, बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है जरा सा इसको अगर टच करते चले इन अ नटशेल, इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि व्यूअर्स को, क्योंकि फेसबुक पे काफी लोगों ने पूछा हुआ था कि जी थोड़ा सा और इसके ऊपर बात कर लीजिए. ठीक है. एक तो ये कि जो ऑस्ट्रेलिया का हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शंस आर लिमिटेड, उस स्केल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो बहुत स्क्वीज हो चुकी है. अच्छा. बहुत ज्यादा प्रोफेशंस नहीं है अवेलेबल जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करते हैं. तो द ऑप्शन, द नेक्स्ट हॉट डेस्टिनेशन इज फॉर पाकिस्तान इज कैनेडियन इमिग्रेशन. तो कैनेडियन इमिग्रेशन में एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू उन्होंने आपको, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि उन्होंने एक ऊपर सिस्टम वही है, पॉइंट्स आपने वही 100 में से 67 ही अचीव करने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पे जाने से पहले आप इससे एक, उन्होंने आप समझ लें कि एक फिल्टर लगा दिए. यस, वो फिल्टर कर रहे हैं कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट. तो पहले वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऊपर से उतार लेंगे जी, बिल्कुल, और फिर उसमें से चुनेंगे किसको हमने बुलाना है और किसको निकालना है. अच्छा, ये जी जी सर, वो जो सिस्टम है दैट इज 1200 पॉइंट सिस्टम, जिसमें से 600 पॉइंट्स जो हैं वो आपके उसमें जो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं वो आपकी एज है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर आईएलटीएस बैंड. ठीक है. जो आपने हमें बताया था कि बेसिक सिक्स है, बेसिक इज सिक्स, सिक्स तो इन एनी केस आपको रिक्वायर्ड, मतलब है. ये जरूरी है, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो. राइट. तो ये आपके 600 पॉइंट्स इसके बनते हैं, और फिर 600 पॉइंट्स वो आपको दे देते हैं अगर आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है, या आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है. ठीक है. अच्छा, ऐसे लोग जो फिर मतलब अच्छा बैंड नहीं ले सिक्योर कर पा रहे, सम हो देयर वर अ कॉलर लास्ट टाइम, यस, कॉल्स आती हैं जो कहते थे कि जी हम, जाहिर है वहां तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पाकिस्तान में ही और सरकारी स्कूलों में ज्यादा वो किया है, और बैंड उस तरह टैलेंटेड, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका कम होता है, वो नहीं उस तरह अचीव कर पाते, बैंड उतना नहीं अचीव कर पा रहे. तो देन देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, वो उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है. ठीक है. इसके बावजूद आप कह रहे हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके बावजूद तरीके हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, मतलब अगर आपका एल्स का रिजल्ट बुरा आ गया है तो सिक्स बैंड तो इन एनी केस इन कैरियर आ गया, लेकिन उसके बाद भी अगर मतलब आपने 6 ले लिया है, 6.5 ले लिया है, तो आप सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मेरी होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके भी तरीके हैं. जी बिल्कुल. ओके, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड न्यूज. अच्छा, इमिग्रेशन कनाडा की बात करें आप,
ऑस्ट्रेलिया की आपने कहा कि अब बहुत जो स्किल्ड उनकी लिस्ट है वो कम हो गई है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत कम लोगों को वो ले रहे हैं. कैनेडा में कितनी मतलब है गुंजाइश अभी? कैनेडा में यूजली हम तो ये अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता वो फिर कैनेडा तो जा ही सकता है. तो कैनेडा की ऑक्यूपेशन लिस्ट काफी लंबी है, उस नेशनल ऑक्यूपेशन जो क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है वो काफी लंबी लिस्ट है और उसमें ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, विच इंक्लूड्स जनरली ऑस्ट्रेलिया ने जिनको जरा थोड़ा सा वो कम प्रोफेशंस हैं जिनको वो ले रहे हैं उसमें स्किल लेवल है जिसमें एमबीएज और बीबीएज आते हैं. और पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है इनकी बहुत ज्यादा है और वो मशरूम ग्रोथ हुई है इसकी. येस ऑफ कोर्स. लेकिन ये लोग जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जरा लिमिटेड प्रोफेशंस में ये लोग जा सकते हैं, एमबीए बीबीए हो फिर भी जा सकते हैं आप, लेकिन दैट डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. लेकिन कैनेडा में एमबीएज और बीबीएज आर रिक्वायर्ड और वो वहां जा सकते हैं. उनके लिए कोई मतलब वहां पे कोई वो नहीं है, लिमिटेशन कोई नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक सवाल जो हमारे व्यूअर्स के जहन में भी आता है वो ये है कि क्या सिर्फ एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पीपल जिनके पास डिग्री हो मास्टर्स की या किसी और, वही ये प्रिविलेज हासिल कर सकते हैं कि बैरून मुल्क जाके नौकरी कर सके? या जिस तरह हमारे स्किल्ड वर्कर्स में हम ये कहते हैं कि हमारे बहुत टैलेंट है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स भी आ जाते हैं, टेक्नीशियंस आ जाते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, कैमरामैन आ जाते हैं, देन वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेलर्स आ जाते हैं, डिजाइनर्स आ जाते हैं, क्योंकि मशरूम ग्रोथ डिजाइनर्स की भी बहुत है, तो क्या ये लोग भी जा सकते हैं? दैट वॉज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. सरप्राइजिंगली हमें अपेरेंटली ये लगता है कि शायद सिर्फ स्किल्ड लोग जो हैं ये एमबीएस बीबीएस कंप्यूटर साइंसेस वाले या इंजीनियर्स ही जा सकते हैं. बट टू टेल यू ऑनेस्टली अब तो ऐसे लगता है जैसे ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जिस तरह आपने कहा मेकअप आर्टिस्ट हैं, ड्रेस मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, मेल नर्सेस हैं, नर्सेस फिर भी वो लाइसेंसिंग प्रोफेशंस में आ जाता है, ये हेयर ड्रेसर्स हैं, ठीक है, जो लोग सैलून्स में काम करते हैं, ये लोग जो है कैमरामैन हैं, ये वो टेक्निकल प्रोफेशंस हैं, पेंटर सिंपल जो पेंट करते हैं. अच्छा. ठीक है. ये इन लोगों की वहां टाइलर रूफ के ऊपर जो टाइल्स वगैरह लेबरर यस ये वो लोग हैं जो वहां पे हाईली इन डिमांड है. अच्छा, ये और इनके चांसेस ज्यादा है, उनके चांसेस ज्यादा है. तो हाउ कम दे कैन गो फॉर आई ये एक जो है उन्होंने ये ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये उन्होंने एक रिक्वायरमेंट जाहिर है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहाँ पे जाके आपको जॉब लेनी है. तो वो जॉब के लिए वो चाहते हैं कि आपको आयर्स मिनिमम 6 बैंड आपके पास होना चाहिए एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेलकमिंग सच पीपल. अच्छा. वो जा सकते यानी हैं, अब हम ये छोटे मोटे काम सीख लें. छोटे मोटे तो खैर कोई नहीं, हर काम जो इंसान अपने हाथ से करता है मेहनत करता है, that's the right time actually to do for it. बड़ा हमेशा वो काम बड़ा होता है जो आप मेहनत से करते हैं, वेदर डिग्री लेके करें या आप अपने हाथों से करें. और मेहनत की कमाई जो है वो तो वैसे भी एक इबादत का दर्जा रखती है मेहनत करना. एनीवेज, इन अदर क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क, और मेरे ख्याल में हमारे व्यूज के जेन में भी ये सवाल होगा अगर मेरे जेन में है तो, अगर कनाडा नहीं जा सकते, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, या चॉइस नहीं हमारी, हम क्यों जाएंगे? ना हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ना हम कनाडा जाना चाहते हैं, हम यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोप की खूबसूरती में जाना चाहते हैं, तो विच प्लेस वेलकम्स पाकिस्तानी? यूरोप में तो कहते हैं ना कि रोमांस इज इन द एयर. नहीं, वहां तो मेहनत करने जाना है या पढ़ने जाना है. खूबसूरत डेस्टिनेशन की मैंने बात की है, उनमें येस ऑफ कोर्स, अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाह रहे एंड यू वांट टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्री, और जो हमारी जो करीब तरीन डेस्टिनेशन है ये तो जाहिर है दूर डेस्टिनेशन है, एटलीस्ट मतलब 20 आवर्स की फ्लाइट होती है, 15 टू 20 आवर्स वेरी करती, तो हमारे लिए ऑप्शन है कि हम यूरोप में चले जाएं, जो कि करीब है, 8 आवर्स फ्लाइट है. विल कंटिन्यू दिस, वी हैव अ कॉलर विद अस जो कि काफी देर से होल्ड पे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. आपका नाम? जी मैं खालिद बोल रहा हूँ जी. अच्छा, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ हमारे गेस्ट जो बैठे हुए हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो या फार्मर जो है उसके लिए क्या जी तरीकाकार है वहाँ पे कनाडा में इमिग्रेशन के लिए? राइट, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? एज ग्रुप और कोई क्वालिफिकेशन है या जस्ट आपका एक्सपीरियंस है? नहीं, यहाँ पे फार्मिंग में तो क्वालिफिकेशन एसच कोई नहीं है, लेकिन लैंड होल्डिंग है और बेसिकली फार्मर है. अच्छा, right. बिल्कुल ठीक. और एज ग्रुप काइंडली? एज 40+. राइट, अब हमारा प्रोग्राम देखते रहे मलिक साहब एंड आई थिंक रिजवान साहब विल टेल यू अवे डेफिनेटली. अच्छा,
देखें 40 प्लस एज है, ठीक है, और